दोस्तों नमस्कार। नैनीताल, शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग तो आप खूब घूम लिए, आइए आज आपको लेकर के चलते हैं उत्तराखंड के एक प्यारे से और छोटे से गांव गुंजी में, जहां पर को आपको शांति, एकांत, आध्यात्म और एडवेंचर का एक शानदार पुट मिलने जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील में समुद्र तल से 3250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्यारा सा गांव, यह गांव कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अहम पड़ाव भी है। यह गांव नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही यहां से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बढ़ने पर आपको चीन की सीमा भी मिल जाएगी। गुंजी में काली नदी अपनी शुरुआती अवस्था में पहुंचती है, जिसका उद्गम यहां से मात्र 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में कालापानी नामक स्थान पर कालापानी ग्लेशियर से होता है। गुंजी पहुंचने पर इसकी सहभागी बनती है कुटी यांगती नदी, जो कि यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर आदि कैलाश से निकलती है। गुंजी पहुंचने पर काली एवं कुटी यांगती नदी का संगम अत्यंत मनोहारी और रोमांचक होता है और मन करता है कि सब कुछ छोड़कर बस यहीं बैठ जाएं। यह गांव धारचूला तहसील में पड़ने वाले कुछ चुनिंदा वाइब्रेंट विलेजेस में से एक है। इसके साथ ही यह गांव आदि कैलाश एवं ओम पर्वत तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले मार्गों का ट्राई जंक्शन भी है। 1962 में भारत और चीन के युद्ध से पूर्व यह गांव अत्यंत समृद्ध हुआ करता था, क्योंकि उन दिनों भारत तिब्बत व्यापार अपने उत्कर्ष पर था और गुंजी उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव, या यूं कहें कि भारत में तो यह गांव इस संपूर्ण व्यापार के दो केंद्रों में से एक था। दूसरा केंद्र मिलम गांव को माना जाता था। 2011 में इस गांव की जनसंख्या 335 आकलित की गई थी। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा के पश्चात यह गांव लाइमलाइट में आया और कुदरत की इस बेइंतहा खूबसूरती को देखने के लिए आज पर्यटकों की आमद बहुत बढ़ने लगी है। यहां पहुंचने के लिए निकटवर्ती हवाई अड्डा यहां से 155 किलोमीटर दूरी पर पिथौरागढ़ में मिलेगा, जबकि रेलवे स्टेशन 305 किलोमीटर की दूरी पर टनकपुर। पिथौरागढ़, टनकपुर एवं हल्द्वानी से धारचूला के लिए आपको बस एवं टैक्सी की निरंतर सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। धारचूला से गुंजी के लिए आपको बोलेरो, कैंपर, टैक्सी हायर पर मिल जाएंगी। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप धारचूला, पिथौरागढ़ या फिर हल्द्वानी से बाइक रेंट पर लेकर भी यहां पहुंच सकते हैं। कभी कभार धारचूला से आपको यहां के लिए हेली सेवा भी चलती हुई मिल जाएगी। यदि आप आदि कैलाश तथा ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको गुंजी एक सुविधाजनक पड़ाव के रूप में मिलने वाला है। यहां पर अच्छी संख्या में होम स्टे भी उपलब्ध हैं, जो आपको कंफर्टेबल स्टे के साथ ही लोकल क्यूजीन का लाजवाब स्वाद भी परोसने वाले हैं। आदि कैलाश यहां से बाई ओर चलने पर मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, वहीं ओम पर्वत दाहिनी ओर 18 किलोमीटर की दूरी पर। आपको चारों ओर कैल, भोजपत्र, फर के पेड़ एवं जूनिपर की झाड़ियां बहुत खूबसूरत नजारा बनाते हुए भाव विभोर कर रही होंगी। इस सुरम्य गांव की यात्रा के लिए बेस्ट मंथ्स हैं अक्टूबर, नवंबर, मई तथा जून, जब यहां का मौसम बहुत सुहाना होता है और बर्फबारी एवं बारिश के कारण रोड ब्लॉक होने का खतरा भी बहुत कम होता है। परंतु गुंजी जाने के लिए आपको धारचूला SDM कार्यालय से इनर लाइन परमिट बनवाना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको आवश्यक होंगे। इसके अतिरिक्त आपको अपना आधार कार्ड भी साथ में रखना होगा। चूंकि गुंजी नेपाल की सीमा से लगा है तथा चीन की सीमा भी मात्र 27-28 किलोमीटर की दूरी पर ही है, इस छोटे से गाँव से SSB, ITBP तथा आर्मी की पर्याप्त तादाद भी देखी जा सकती है। भारतीय सेना एवं पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान 24/7 देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर गश्त करते ही रहते हैं। देश के इन प्रहरियों का जज्बा देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
इस प्रकार आज हमने जाना एक ऐसे गांव के बारे में जो काली एवं कूटी यांगती नदी के संगम के साथ ही नेचर एवं कल्चर का भी अद्भुत संगम है। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।